Welcome to my YouTube channel, guys. Today I am going to make a new video, so please So hello guys, केम छो, नमस्ते, वनकम, सस्रीकाल, सलाम। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल बॉस ऑफिशियल में। तो गाइज, आप लोगों ने ऊपर देख लिया भाई, फॉलोइंग राइस स्टार मतलब अपना भाई नूबरा भाई दुनिया का क्या। अबे साले, जब सबसे बड़ा नूब, जस्ट किडिंग भाई, अपना भाई राइस स्टार भाई वापस आ चुका है गेम में। इतने दिनों से ये कमीना क्या खेल रहा था भाई, हाँ GTA खेल रहा था। तो इतने दिनों से ये बंदा भाई GTA में बिजी था, मतलब क्या ही बोलूँ। कितना भी बुला लो भाई कि आजा भाई फ्री फायर खेल ले, लेकिन नहीं, इसको तो भाई खेलना था GTA। तो अब ये अच्छे से मतलब क्या ही बताऊँ, पिछले देखो 2 या 2.5 महीने से ये साला GTA में बिजी है और दवा के GTA खेला है। अभी भी ऐसा नहीं कि फ्री फायर पूरे तरीके से वापस आ गया, आता है 2-3 मैच खेलता है फिर ऑफलाइन चला जाता है ये नूबरा, मतलब क्या ही बताऊँ। तो गाइस, मैं तो बहुत मिस किया यार, अगर आप लोगों ने भी करा है तो कमेंट में बताना मेरे को कि भाई आपने राइस स्टार को मिस करा है। साले ने कब से वीडियो भी नहीं डाली अपनी चैनल पे, मतलब क्या बताऊं यार इसके बारे में। ठीक है, तो गाइस, आप लोगों ने भाई टाइटल थंबनेल देख लिया होगा भाई, 10,000 डायमंड का चैलेंज लगा है। तो चैलेंज किस तरीके से होने वाला है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे चैलेंज ये लगा है मेरे और राइस स्टार के बीच में कि 7 किल प्लस बुइया करना है। ठीक है, मैंने दिया था राइस स्टार को चैलेंज इससे पहले, तो वो चैलेंज राइस स्टार ने जीत लिया था। तो मेरे को राइस स्टार को देने हैं, उस समय 5K डायमंड्स का लगा था, तो 5K डायमंड्स मेरे को देने हैं अभी राइस स्टार को। एंड गाइस, यहाँ पे तो भाई राई पहले ही मर गया, तो कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, अगर देखो चैलेंज कुछ इस तरीके से था, अगर ये वो चैलेंज नहीं कर पाता तो इसको मेरे को देना पड़ता, अगर मैं यहाँ पे ये चैलेंज नहीं कर पाऊँगा तो राइस स्टार को देना पड़ेगा, मतलब दोनों में से जो हारेगा उसको देना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पे नहीं कर पाऊँगा तो मेरे को इसको देना ही पड़ेगा। ठीक है, और अगर मैं कर दिया तो इस नूबरे को मेरे को देना पड़ेगा। तो देखते गाइस क्या हम यहाँ पे चैलेंज कर पाएंगे। अरे कहना क्या चाहते हो, 1 किल हमने कर दिया है बहुत ही ओपी तरीके से अपनी ये सरीवी गन, जिसका नाम हम लोग क्या बोलते हैं यार, प्लाज्मा गन। ओके, प्लाज्मा गन से 1 किल कर दिया है, तो यहाँ पे हम लोग लूट कर लेंगे जल्दी से भाई। डो वर्सेस स्क्वाड की सिचुएशन हो गई यहाँ पे, तो वीडियो को एंड तक देखना। और क्या लगता है आपको यार, बुइया कर पाएगा आपका भाई यार, क्योंकि भाई डायमंड से अपन को बहुत प्यार है। एंड गाइस, जो पुरानी मेरी डायमंड थी सब्बीर भाई से हिसाब, वो डायमंड मेरे अकाउंट में आ चुकी है। एंड मैंने भाई M10 निकाल लिया यार, रेड वाला M10 निकाल लिया बहुत ही ओपी तरीके से, मतलब मज़ा ही आ गया। ठीक है, M10 निकाल लिया अपन ने भाई, डायमंड बहुत खाता है लिटरली, क्या ही बताऊँ, मतलब लूट लेता है यार इंक्यूबेटर। तो अगर आप लोगों ने नहीं निकाला है इंक्यूबेटर तो यार ट्राई करना। ठीक है, मतलब बहुत ही ज़्यादा, हद से ज़्यादा ओपी MP40 है सारी की सारी, लेकिन जो टॉप वाली है रेड वाली MP40, वो अगर आपको शॉटगन नहीं भी चलाने आता है, अंधाधुन फायर करोगे तब भी वो बहुत ज़्यादा ओपी है, मतलब हद से ज़्यादा। उसकी अभी अहमियत लोगों को नहीं पता चली है, लेकिन इन फ्यूचर पता लगने वाला है कि वो क्या चीज़ है, क्योंकि वो भाई बीस्ट है। ठीक है, मतलब उसके जैसी अभी तक M10 की कोई स्किन नहीं आई है। उसमें अगर आपको दिख रहा है डबल रेट ऑफ फायर, तो विश्वास करो दूसरी स्किन से आप कंपेयर कर लो, डबल रेट ऑफ फायर वाली, उससे कई गुना ज्यादा उसकी रेट ऑफ फायर है। और सच में डबल रेट ऑफ फायर है उसकी, मतलब MP40 की तरह टुक 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 मारती है, रुकती ही नहीं है। ठीक है, तो अगर नहीं निकाला है तो यार आई रिक्वेस्ट यू, ठीक है, निकाल लेना, मेरा कुछ नहीं जाएगा, मेरा कुछ प्रॉफिट नहीं होगा, लेकिन एज अ वेल विशर मैंने आपको बता दिया कि अगर आप निकाल सकते हो तो निकाल लेना। 2 किल हमने यहाँ पे कर लिए, सामने बंदा है, शॉट मारेंगे उसको, नॉक हो चुका है, 124 का मारा, लेकिन नॉक होने के बाद मारा कोई ना, और भी बंदे अंदर, तो उनको ऊपर गया भाई, माइन भी लगा ली बंदे ने, चलो माइन फोड़ते हैं यहाँ पे पहले। ओके, माइन को तोड़ दिया यहाँ पे, तो ऊपर की तरफ हम लोग जाएंगे, उससे पहले भाई इसको ख़त्म कर देंगे यहाँ पे। चलो एक शॉट मारा है, इधर भी बंदा है, स्पैस लेके, ओके इसको मारेंगे भाई, बैट से मारेंगे अपन यहाँ पे। लेट्स सी गाइस, लेट्स सी क्या हम इसको मार पाते हैं। गाइस शॉट मिस हो रहा है, और ये पड़ गया इसको कितने का, 220 या 228 का। तो ये जो स्किन है भाई बहुत ही ओपी है, लेजेंडरी स्किन है, तो इसलिए इससे मारने में बहुत मज़ा आता है। दूसरा बंदा भी नॉक कर दिया हमने, तीसरे बंदे पे, सॉरी चौथा बंदा यहाँ पे। चलो 2 किल मैंने करे, 2 किल हमारे ज्ञान बिस्वा भाई ने करा है, तो मतलब मजा ही आ गई यार, कसम से यार, स्क्वाड खत्म कर दिया डोवर्स स्क्वाड में। तो यस गाइस, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा यार, लाइक कर देना। एक स्क्वाड हमने बहुत ही ओपी तरीके से यहाँ खत्म करा, झंडा गाड़ देते हैं यहाँ पे, गाड़ दिया। तो गाइस यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं ऊपर से लूट करके नीचे की तरफ, और देखते हैं क्या नीचे की तरफ हमें बंदे यहाँ पे मिलने वाले हैं। 4 किल मैंने कर लिए, 3 किल और करना है, और यहाँ पे बंदा है इसके कवर के पास,
हेड मारा लेकिन किल आएगा बॉडी से, क्योंकि दो हेड मारे थे, तीसरा शॉट गलती से यार बॉडी पर गया। तो यार ऐसे में दिल से बुरा लगता है, ठीक है। और स्कार का पहला दो शॉट हेड पकड़ता है, बाकी बॉडी पकड़ लेता है, तो हमारी कोई गलती नहीं है। चलो कोई ना, फिर भी इस बंदे को नॉक हो गया ये भी बंदा, यार हद्दी किस्मत अपनी। सामने एक और बंदा है, उसको देखते क्या मार पाएंगे हम लोग। ग्लू लगा ली बंदे ने, डैमेज दे दिया खतरनाक, ग्लू लगाएंगे यहाँ पे। ओके भाई, बिस्वा भाई ने अकेले भाई पूरी स्क्वाड नहीं, दो बंदे थे। ओके, एक बंदे को मैंने ख़त्म करा था, तो दूसरी भी स्क्वाड हमने यहाँ पे ओपी तरीके से भाई ख़त्म कर दिया है यार। तो इतना प्रो गेम प्ले यार। तो गाइस यहाँ पे भाई अपन ने पूरा छानबीन कर लिया, मतलब CBI 1 के, लेकिन बंदे मिले ही नहीं यार, क्या ही बताए। मतलब 5 किल हमने यहाँ पे कर लिया है, और 2 किल और करने हमें यहाँ पे। यार ड्रॉप पे बंदा मिला हमें यहाँ पे, इसको मारेंगे सबसे पहले। ओके, नॉक कर दिया, पता नहीं हेड से किल आएगा या बॉडी से, लेकिन बहुत हेड मारे थे मैंने। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अपडेट के बाद विंटरलैंड नहीं चल रही, तो ये स्किन मेरे को यूज करना पड़ रहा है, टट्टी स्किन। पता नहीं लोगों को ये बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन मेरे से उतनी अच्छी नहीं चलती है, लेकिन अभी चला रहा तो चल रही है यार। मतलब कोई भी स्किन देखो, मैं ऐसा नहीं कि हेड नहीं मार पाता किसी स्किन से, कोई भी स्किन दे दो हेड मेरे लगने ही लगने हैं, लेकिन वही है एक्यूरेसी मैटर करता है, ठीक है। एक्यूरेसी सबका अलग अलग होता है, किसी में रिक्वायर कर जाता है, वही सीन हो रहा है विंटरलैंड में। सामने वाले बंदे को वन टैप मारने की ट्राई करी, नहीं पड़ा, क्योंकि मेरी सेंसिटिविटी 100 पे है, थोड़ा कम करना पड़ता है मेरे को। देखो हर एक हर गन के हिसाब से मेरी अलग सेंसिटिविटी होती है, मैंने आपको पहले भी बताया, मैं टूर्नामेंट में अलग सेंसिटिविटी रखता, नॉर्मल रैंक में अलग रखता, ठीक है। तो ये सब भाई थोड़ी अल्ट्रा लेवल की थिंकिंग है, आपके अंदर भी थोड़ा ज़्यादा गेम सेंस आ जाएगा तो आप भी ऐसे करने लगोगे हर गन के लिए और हर मूड के लिए अलग अलग सेंसिटिविटी, ठीक है। तो यहाँ पे विश्वा भाई ख़त्म हो चुके हैं, और मेरे को यहाँ पे भाई मतलब थोड़ा मुश्किल में आ चुका हूँ मैं, क्योंकि अकेले पड़ गया हूँ मैं, और दोनों तरफ से बंदे हैं। देखो इधर भी बंदे हैं, पीछे भी बंदे हैं। तो ये बंदा लिटरली मतलब कौन से नशे कर रहा था पता नहीं। और यहाँ पे कार से भाई लंबोर्गिनी से दो बंदे आ गए मेरे को, अच्छे ही बंदे होंगे तभी रस कराए इन्होंने। बाकी बंदे यार मतलब उतने ओपी लेवल वाले नहीं आए थे। अब नॉर्मल रैंक में तो भाई टूर्नामेंट वाली फील थोड़ी ना आने वाली है, नॉर्मली बंदे आएंगे। लेकिन चलो एक को नॉक कर दिया यहाँ पे, ग्लू लगा के अपन निकलते इधर से पहले, क्योंकि बंदे ने डैमेज दिया है यार यहाँ पे, ठीक ठाक डैमेज दिया है बंदे ने, और यहाँ पे ये बचा रहा है। देखो ये भाई ये दिक्कत है डिफ़ॉल्ट की, इसमें आप कितनी बारी मरे होगे, मतलब अनलिमिटेड जब से गेम आपने स्टार्ट करा है कितनी बारी मरे होगी जिसका कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या सीन होता है भाई, डिफ़ॉल्ट पे बंदे पे एम जाता है, ठीक, मतलब क्या ही बताऊँ। वापस नॉक कराया हमने, चलो ख़त्म कर देंगे। अब एक ही बंदा बचा है जो कि अंदर है, तो यहाँ से नेट करने की ट्राई करते अपन। अभी तो वो निकल के मारेगा नहीं, क्योंकि भाई पूरा डैमेज था वो। अच्छा मारा नहीं, सामने वाले बंदे मारे, तो सामने से और भी बंदे आ गए गाइस, मतलब क्या ही बताऊँ। तो इधर से निकल जाते हैं अपन, अपने लिए वही सही है। वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है मैंने, क्योंकि भाई बुइया निकालना यार, 7 किल तो कर लिया, मतलब एक मिशन अकॉम्प्लिश कर लिया मैंने। इट मीन्स कि अगर मैं हारता भी हूँ तो मेरे को डायमंड नहीं देने पड़ेंगे यहाँ पे राई को, तो मतलब समझो आप तो पूरा ट्राई करना अपन को जीतने का। सामने बंदा, उसको अच्छी खासी डैमेज पड़ी है, 1 या 2 गोली में वो भी मर जाएगा ड्रैगन ऑफ के। ओके 107 का मारा, मर गया। तो गाइज टूर्नामेंट अगर आप खेलते हो, ठीक है, कितना भी नॉर्मल टूर्नामेंट हो, तो उसके लिए मैं कुछ टिप्स दे देता आपको। ड्रैगन ऑफ यूज़ किया करो, बहुत ही अच्छी गन है, बिकॉज इसके डैमेज सीधी आपको 70+ मारेगी, जो कि बहुत ही ओपी चीज़ है। यहाँ एक बंदा है, ओके इसको भाई पर सेक्सी सा हेड, पूरा किल कंफर्म करते हैं। किल भी कंफर्म कर लिया, टोटल 9 किल कर लिया हमने, 4 बंदे यहाँ पे लाइव है, तो देखते क्या हम इसे मार पाएंगे। भाई एक और बंदा ख़त्म यहाँ पे, मतलब 3 बंदे बचे हैं यहाँ पे गाइज, मतलब मजा ही आ गई, ठीक है। एंड गाइज अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो, और अगर आप भी चाहते हो कि FFIC की प्रैक्टिस करो, टूर्नामेंट में आप भी कुछ उखा रहो, झंडे गा रहे हो, मतलब अपना नाम करो इस गेम में, इस स्पोर्ट के थ्रू, तो भाई डिस्कॉर्ड लिंक दे रखी है मैंने, डिस्कॉर्ड में आप लोग ज्वाइन कर लो, और वहाँ पे कस्टम्स होते रहते हैं FFIC प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, जिसमें आप हमारे ही साथ खेलोगे, ऑब्वियस सी बात है, हमारी टीम रहती है, अच्छी अच्छी बॉस की टीम रहेगी, और आपको भी उस कस्टम में खेलने का मौका मिलेगा। ID पासवर्ड वहीं डिस्कॉर्ड में मिल जाता है आपको, ठीक है, नोटिफिकेशन आ जाएगा आप पे, तो चिंता की कोई बात नहीं है, बस एक्टिव रहना आप, मतलब नेट ऑन रखना अपना, बाकी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। एंड गाइज आप लोग भी आ जाना FFIC प्रैक्टिस में, तो डिस्कॉर्ड नहीं ज्वाइन करा है तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन, अगर आप डिस्कॉर्ड ऐप यूज करते हो तो डाउनलोड कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, और अगर ऐप डाउनलोड कर सकते तो कर लेना, स्टोरेज नहीं तो भाई कोई बात नहीं यार, अपन तो भाई अपना काम था बताना, बता दिया अपन ने। तो एक बंदे को अपन ने नॉक करा है, और सामने भाई रेंडर ही नहीं हो रहा है, और सामने वाले बंदे लिटरली भाई चिमकांडी है, मतलब समझ जाओ यार, चिमकांडी मतलब कोडेड वर्ड है, ठीक है, मतलब इतना दिमाग तो है ही आपके अंदर। तो चलो एक बंदे को खत्म कर दिया हमने यहाँ पे, 2 बंदे बचे अभी,
तो दो चिमकांडी बचे हैं, मतलब तो दो चिमकांडी को अपन को यहाँ पे खत्म करना है। देखते क्या हम उनको खत्म कर पाएंगे। यहाँ पे झंडा गाड़ दिया वापस से, मतलब क्या ही बता यार, अपन मतलब भगवान है भाई, अपुनिच भगवान है। चलो एक बंदा बचा यार, एक बंदा बचा, लास्ट बंदा, तो इसको मारने की ट्राई करते। देखो वन टैप नहीं लग रहे मेरे, कोई ना यार, अपन नूब बन चुका है। नो देखो टूर्नामेंट गेम भाई बहुत अलग होता है, उधर आप वन टैप दिखाने जाओगे तो कुत्ते की मौत मारोगे, सीधी बात है। तो उधर ट्राई मत करना, हेड हेड मार लो बहुत बड़ी बात है, और टूर्नामेंट में वैसे ज़्यादा हेड लगते नहीं है। तो बहुत लोग होते हैं जिन पे एक्सपीरियंस नहीं होता है, तो कुछ भी बकते हैं, लेकिन अपन पे एक्सपीरियंस है तो बता रहा मैं, उधर हेड वन टैप ये सब मत मारना भाई, कुत्ते की मौत मरोगे। ठीक है, आई होप वीडियो पसंद आया होगा आपको, और अगली वीडियो आएगी भाई राइस्टर ने क्या मेरे को डायमंड दिया या नहीं दिया। तो गाइस मिलेंगे आपसे कॉन्टिन्यू फ्रेश वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय, लव यू, स्प्रेड लव।